हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं वर्ग 7 विषय हिंदी हिंदी में पार्ट थ्री का नाम है पुष्प की अभिलाषा। इसका कविता मैं आप लोगों को, बहुत लोग पास किताब नहीं है, जिसके पास किताब है वो कविता याद कर लीजिएगा। आप लोग को किताब नहीं, वो लोग कविता लिख रहे हैं, कविता प्लस इसका अर्थ लिखाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं कविता प्लस अर्थ लिख रही हूँ, एक बार कविता को पढ़ें, ध्यान से सुनिए। चा नहीं मैं सुर बाला के, चा नहीं मैं सुर बाला के, गानों में गूथा जाऊं, गानों में गूथा जाऊं। चा नहीं प्रेमी माला में, चा नहीं प्रेमी माला में, बिन प्यारी को ललचाऊं, बिन प्यारी को लटे। इसका अर्थ हुआ पुष्प अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहता है कि वह ना तो देव कन्या के गौनों में गूंथा जाना चाहता है और ना ही प्रेमी द्वारा लाई गई माला में बिनकर प्रीतम को ललचाना चाहता है। कहने का अर्थ है कि फूल जो है अपना इच्छा प्रकट करता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि देवी देवताओं को माला गूंथ कर पहनाया जाए, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि कोई प्रेमी ये जो है अपने प्रीतम को माला गूंथ कर पहनाए, ये मेरा कोई इच्छा नहीं है। यही इस कविता का अर्थ है। इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, खूब मन लगा कर पढ़िए। आज का टॉपिक इतने, ओके, धन्यवाद।